कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को लेकर दुनिया में तमाम मुल्कों में कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने बीते रविवार को अपने गोदाम से कोविड के टीके की पहली खेप रवाना की। इसके साथ ही अमेरिका में टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। इधर भारत में भी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। टीकाकरण के लिए जरूरी सभी बुनियादी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। हालांकि अभी भारत में किसी भी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी जल्द अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में टीके के साइड इफेक्ट्स को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। एम्स में सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन और कोवैक्सीन परीक्षणों के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय का कहना है कि किसी भी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव या साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। कुछ प्रतिकूल घटनाओं में बुखार, दर्द जैसे हल्के लक्षण सामने आते हैं, जबकि कुछ में गंभीर प्रभाव भी नजर आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो रूटीन हम वैक्सीन भी लाते हैं, कोई भी ड्रग देते हैं या कोई भी वैक्सीन देते हैं तो कभी भी कोई एडवर्स इवेंट हो सकता है। कुछ एडवर्स इवेंट बड़े माइल्ड होते हैं, जैसे बच्चों को हम टीका लगाते हैं तो बुखार हो जाना या थोड़ा सा वहाँ पेन होना, ये सब कुछ सीवियर कभी कभी हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा इवन अंडर 5 को भी जो लगाते हैं कि मीजल्स लगाने के बाद ये प्रॉब्लम हो गई, कुछ बच्चों को जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टाइप हो गया, कुछ को एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया, तो ये सब जो है एडवर्स इवेंट होते रहते हैं और किसी भी ड्रग के साथ या वैक्सीन के साथ हो सकते हैं एडवर्स इवेंट्स जो हैं। सेम जो है यहाँ भी चूंकि वैक्सीन देने जा रहे हैं तो एडवर्स इवेंट कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं। अभी यूके में कुछ लोगों को रिएक्शंस हुए थे, जिनको एलर्जी ज़्यादा थी उनको रिएक्शन हो रहे थे, तो ये कभी भी किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकते हैं, चाहे कोई भी वैक्सीन आए। उसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, एक तो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे तैयारी रहती है, और इस गाइडलाइंस में जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए उसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जो है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे अगर सपोज किसी छोटे जगह पे गवर्नमेंट फैसिलिटी अच्छी नहीं है बट प्राइवेट है तो उनके साथ जो है इंटीग्रेशन करके, मतलब उनके साथ एक संबंध बना के, और कि जब भी एडवर्स इवेंट होता है तो तुरंत उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि एडवर्स इवेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी वैक्सीन या किसी भी दवा के साथ हो सकता है, तो उसको प्रॉपर मैनेज करना है, यही एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन का मैनेजमेंट। साफ है कि टीकाकरण में प्रतिक्रियाओं का आना कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। यही वजह है कि बीते दिनों ब्रिटेन ने दवा विनियामक ने कोरोना टीके के बारे में एक चेतावनी जारी की थी। नियामक ने साफ कहा था कि दवाओं, खाद्य पदार्थों या टीके से एलर्जी होने की शिकायत वाले लोग फाइजर बायोटेक के टीके की खुराक नहीं ले। ब्रिटेन के दवा विनियामक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के 2 कर्मचारियों को टीका लगाए जाने के बाद हुए तीव्र रिएक्शन की शिकायत मिलने के बाद चेतावनी जारी की। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कोविड टीके के ट्रायल को आरंभिक चरण में ही बंद कर दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षण के प्राथमिक चरण में टीका लगाए जाने के बाद देखा गया कि लोगों में एचआईवी के एंटीबॉडी बनने लगे थे। हालांकि 216 प्रतिभागियों में कोई गंभीर प्रतिकूल असर देखने को नहीं मिला, लेकिन एहतियातन ऐसा करना पड़ा था। वैसे टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञ अक्सर चेताते रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार किसी टीके को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव करने से पहले इसके प्रतिकूल प्रभाव को लेकर पूरी तरह तसल्ली कर लेना चाहती है। देश के दवा नियामक यानी DGCI, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट और फाइजर के कोविड-19 टीकों के आकस्मिक इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले उनके आवेदनों पर गौर कर रहा है।